तो अभी हम जो है अभी इकोनॉमी वाला खंड और कुछ जो है वह आईआर का जो पोर्शन है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा रिपीट कीजिएगा, डेफिनेटली क्लियर नज़र आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये है वो ये बात है कि दूर संचार यानी कि जो टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे कि हमारे आइडिया हो गया, वोडाफोन, इन कंपनियों की जो है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और इनकी कंपनियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा आर्थिक माली स्थिति से गुजर रही हैं। पैसे जो है इनके बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गई हैं, आइडिया वोडाफोन जैसी कंपनियाँ। तो इसीलिए जो है इस समस्या के निदान के लिए राजीव गौबा की अध्यक्षता में, जी हाँ, राजीव गौबा की अध्यक्षता में जो है कमेटी गठित की गई थी जो कि दूरसंचार की समस्या के लिए जो है सुधार कर सके, पहली बात। दूसरी बार हुआ क्या था मेन, जो आप इसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो जैसा आपको पता है कि जो जियो है बहुत ज़्यादा लगातार इसने क्या कहते हैं अंडरग्राउंड जो अपने केबल वायर बिछाए थे, लगातार ये टावर पे टावर लगा रहा था, छोटे छोटे टावर, बहुत बड़ा इसका नेटवर्क हो गया था और ये लगातार प्रोग्रेस करता गया। तो इसी के कंपटीशन में जो है वो विलय करना पड़ा था, किसको, वोडाफोन को और आइडिया को आपस में विलय करना पड़ा था। तो ये इसी के दबाव के चलते, क्योंकि ये जो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और इसने अपने टैरिफ रेट जो है वो लगातार कम करते गया, तो जियो के टैरिफ रेट कम होते गए, वैसे ही उसी के जो है पैरेलल में इनको भी अपना टैरिफ रेट कम करना पड़ा, जिससे कि ये दबाव के स्थिति में आ गए, इनकी आर्थिक हालत माली स्थिति खराब हो गई, इतना ये जो है कम्पीट नहीं कर पाए किसको, जियो को। तो इसीलिए अभी जो है यह दूरसंचार की समस्या यहाँ पास आपको देखने को मिलती है। ये जो चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं जागरण, और जागरण के बाद बैकग्राउंड भी देखेंगे क्या क्या इसका निकल के आता है। जी हाँ, यूपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट और अदर एग्जाम की दृष्टि से भी। तो वोडाफोन और आइडिया पर सरकार को आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 44,150 करोड़ देना बकाया रह गया है। तो इतना जो है इनका भी टैक्स वैक्स और लेवी वगैरह मिला के अगर आप देखें तो इतना करीब इनको अभी देना है, और भी ज़्यादा था। वो तो सुप्रीम कोर्ट से इन लोग गए, वोडाफोन आइडिया वाले सुप्रीम कोर्ट से जो है ऑर्डर लेके आए, पूरा इसमें केस चला, उसके बाद ये जाके तब जाके कितना हुआ अभी 44,150 करोड़। इसको भी कंपनी बोल रही कि नहीं अभी हम जो इसकी इसको भी देने की हालत में नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वोडाफोन आइडिया सरकारी राहत के बिना बंद हो जाएगी, ऐसा कहा है किसने, चेयरमैन ने। क्या कह रहे हैं, कौन चेयरमैन है, मंगलम बिड़ला साहब, ये कह रहे हैं कि सरकार अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, देखिए ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है ये एक प्रकार का टैक्स होता है, अभी हम अभी देखेंगे, ठीक, सामने ये टैरिफ होता है एक प्रकार का, ये बोल रहे हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं ये, कि सरकार जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के मसले पर अगर कंपनी को राहत नहीं देती है तो ये बंद हो जाएगी, और ये बंद हो जाएगी तो ये जो बिड़ला साहब है ये जाएंगे किसको, वोडाफोन और आइडिया को लेके इंसॉल्वेंसी में, वहाँ पर जाके जो है यह विलय इंसॉल्वेंसी कराई जाएगी, और उसके तहत जो है ये कंपनी जो है जिस जिसका जितने शेयर धारक है यानी कि जिसके जितने पैसे लगे हुए हैं उनको पैसा अलॉट हो जाएगा, और साथ ही जिसने जितने बॉन्ड खरीदे उनको भी पैसा अलॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम किया जाता है इंसॉल्वेंसी में, अगर ये सरकार किसमें एजीआर में अभी राहत नहीं देती है तो ये कुछ हो सकता है, फ्यूचर की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कितना 50,921 करोड़ का घाटा है, और इसमें जो है कुछ आप देखेंगे टोटल कि यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन पर जो है देखिए टोटल कितना था, 50 समथिंग करोड़ था, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कितना हो गया, 44,150 करोड़। तो ये बात है, यहाँ हमारे लिए फोकस क्या है, मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो क्या है, तो वो है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। पहली बात, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है हमारे यहाँ, ये टेलीकॉम दूर संचार जो हमारा विभाग है ये लेता है, क्या चीज़ के लाइसेंस की फ़ी लेता है, यही इनसे लेगा, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी से इनको लाइसेंस अलॉट होगा ना कि आप स्पेक्ट्रम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब एक स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की फीस होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे आप स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है कि एक एक कंपनी को अलग अलग स्पेक्ट्रम अलॉट होता है, जैसे 94.3 MHz जो चलता है ना, ये जो स्पेक्ट्रम है 94.3 Hz का, ये जो स्पेक्ट्रम है ये किसको मिल गया, MHz वाले को मिला है तो वो यूज़ करता है, ठीक। इसी प्रकार आप देखेंगे कि इस एक पूरा बैंड होता है स्पेक्ट्रम का, ये तो बस ओनली 94.3 FM के बारे में बात की मैंने, जैसे आपको बोलेंगे कि 46 GHz का आपको अलॉट किया जाता है, किसे, तो बोल दिए वोडाफोन को एग्जाम्पल के तौर पर, 46 GHz का जो है आपको अलॉट किया जाता है, ऐसा स्पेक्ट्रम है, 46 GHz पर जो है अपने सारे के सारे जो वोडाफोन है ना, जो जितनी अपनी सिम है उसको ये जो है चलाएगा, ठीक। इसी प्रकार जो है बोल देगी कि चलिए आपको जो है 44 GHz पर आपको अलर्ट किया जाता है, किसको, एयरटेल वाले को, तो एयरटेल वाला जो है अपना इस 44 GHz पर चलाएगा, अपने जितने भी इसके मोबाइल फ़ोन यूज़र होंगे वो इसी पर चलाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से होता है, और इसके लिए इनको फीस देनी पड़ती है, और ये कौन लेता है, DOT लेता है, और इसी स्पेक्ट्रम की फीस और लाइसेंस फीस को जो है कम करने की मांग की जा रही है किसके द्वारा,
तो सामने आप देख सकते हैं कुमार, हमारे जो कुमार मंगलम है उनके द्वारा की जा रही है। एजीआर अभी क्यों न्यूज़ में आपको पता चल गया क्या है एजीआर, ये पता चल गया। तो कुल मिला के आपको ये भी पता चल गया कि इसमें जो सेकंड न्यूज़ थी, जैसा कि बात हुई थी कि रिलायंस जियो ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था पैसा कौड़ी, सॉरी अपना जो ये है टैरिफ, इसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, तो उसी के एवज़ में इन्हें भी कम करना पड़ा और ये लगातार डूबते चली गई। और आप ये देखिए अभी अंदाज़ा लगाइए कुल राशि जो है इनका 1.17 लाख रुपए पर पहुंच गई है। किसका? देखिए यहाँ देखेंगे ना, वोडाफोन आइडिया पर कर्ज की कुल राशि 1.17 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। अगर आप सब वोडाफोन और आइडिया सब का मिला लें और टोटल आप इसका करें तो कितना राशि हो जाता है, इतना राशि इनको देना है। और उसमें भी एज जो है गवर्नमेंट को कितना देना है अगर आप देखें तो आप बताएंगे कितना देना है, 44,150 करोड़। तो खैर पैसे कौड़ी की बात तो होती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो है इन लोगों ने अप्लाई किया था, गवर्नमेंट से ही बोला कि गवर्नमेंट आप हमारे लिए को कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें मांगे थी इनकी कहने का मतलब ये है कि आखिर टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा क्या किया जाए कि जो है इनको राहत हो, तो आप बताएंगे क्या किया जाए। देखिए स्पेक्ट्रम उपयोग करने पर चार्ज कम हो, पहली बात ये वाली बात जो हो चुकी है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये एक फंड होता है लेवी, ठीक, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF, ये अभी कितना, ये गवर्नमेंट लेती है, 5% लेती है ये एक फंड है, एक प्रकार का 5% लिया जाता है। अच्छा नहीं, ये एक प्रकार का टैक्स है, ये भी एक प्रकार का, मैं आपको बताता हूँ वो टैक्स किस बेस के ऊपर लिया जाता है और ये जाता है किस चीज़ के ऊपर, दो बात, ठीक। तो आपको सबसे पहले बताना है कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, क्यों लिया जाता है गवर्नमेंट, देखिए ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एकदम गुणवत्तापूर्ण ICT मिल सके। होता क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में अब टावर तो ज़्यादा लगेंगे नहीं, ठीक है, देखिए शहरी क्षेत्रों में खूब सारे टावर लगे रहते हैं, यहाँ पास जो है आराम से आप पहुँचा सकते हैं दूर संचार की सेवाएं अपनी, कोई से भी आपको इंटरनेट पहुँचाना है डाटा पहुँचाना है वो आपको पहुँच जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टावर लगेंगे, लेकिन गाँव में नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है ना 5% लगभग जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है इसको, USQF को, तो 5% पैसा जो है देना पड़ता है, ठीक, किसका, AGR का 5% देना पड़ता है, ठीक, AGR है, AGR का 5% देंगे लोग, तो AGR का 5% ले लेती है यहाँ पास, और यहाँ पास जो है इसके इस तरीके से यहाँ टावर वगैरह लगाने का जो है काम स्टार्ट हो जाता है, तो ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वह लोगों को सही जो गुणवत्तापूर्ण मिल सके इसके लिए गवर्नमेंट लेती है USQF को। तो यही है USQF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो 5% है उसी को बोलते हैं कि नहीं बाबा अब आप 3% कीजिए। तो इस प्रकार जो है हमारी टेलीकॉम सेक्टर की जो समस्या है वो समाधान हो पाएगी। पहला आपने कहा स्पेक्ट्रम का उपयोग का चार्ज कम करवा दीजिए, USQF को कम कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो है वो टेलीकॉम की सेक्टर की जो समस्या, हमारा जो इतना डूब रहा है, हम जो है कितना 44,000 करोड़ का तो आपको AGR देना है और साथ में कितना 1.17 समथिंग लाख है ना, तो उतना जो है वो अभी इतना कर्ज तो बचा हुआ है टेलीकॉम सेक्टर की ओनली वोडाफोन उसका, तो आप ये हो जाएगा। तीसरा बोलिए ट्राई द्वारा ना क्या करें कि भैया वॉइस एंड डाटा सर्विस में न्यूनतम चार्ज किया जाए। ये वॉइस एंड डाटा सर्विस आप जानते हैं कि जो हम लोग बात करते हैं अपने इंटरनेट के थ्रू, अभी जो है वॉइस, तो ये वॉइस सर्विस हो गया, तो जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारा डिपार्टमेंट ये है इंस्टीट्यूट है, सॉरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये जो है ये जो है इस पर डाटा पर क्या अलग करेगी न्यूनतम चार्ज ले, तो तीन चीज़ों के बारे में बात की जिससे कि थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक। आपने देखा USQF क्या है, आपने देखा कि क्या कुछ होता है हमारा AGR, तो ये कुछ बात थी जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है आज के डेट में। दूसरे में आई आर्थिक हालात पर जनता की जो है वह कुछ किया गया है, ना उम्मीदी बढ़ी इसके लिए, देखिए RBI समय समय पर, यहाँ पास ना क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे न्यूज़ में आप देखेंगे कि RBI द्वारा समय समय पर एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, और वो रिपोर्ट क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके देखिए, RBI के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर क्या कुछ कहता है, उसको कितना कॉन्फिडेंस है आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, इस बारे में जो है वह किया जाता है किसके द्वारा, RBI। तो एक काम की चीज़ इसमें RBI कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे रिपोर्ट देता है, ठीक, कहाँ कहाँ इस बार करवाया सुन लीजिए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, ऐसी जगह पर जो है हाउस होल्ड्स थे करीब 5,000, उनसे पूछा गया कि भैया बताइए कुछ होगा तो अच्छा कि क्या महंगाई वगैरह के ऊपर कुछ बता सकते हैं आप, तो इस प्रकार की कुछ बातें, ठीक। उससे पहले आप ये देखिए कि हर 2 महीने पर केंद्रीय बैंक यह सर्वे कराता है, रिजर्व बैंक है, यह हर 2 महीने पर कराता है,
और ब्याज दरों पर फैसला करने और आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाने से इससे जो है वह एक अंदाजा मिलता है। तो आरबीआई के द्वारा इसलिए कराया जाता है ताकि ब्याज दर का फैसला कर सके वो, पहली बात। दूसरी बात, ताकि आर्थिक विकास दर, जो कि अभी अच्छा शुरुआत में आर्थिक विकास दर हमारे आरबीआई ने चालू की थी तो करीब करीब वो बोल रहे थे 7 करेंगे, फिर इन्होंने घटा दी, फिर बोले कि नहीं यार इस बार आर्थिक विकास दर 6 हो जाएगी, अभी फिर से घटाई और अब बोल दे रहे हैं कि ग्रोथ होगी इस बार 5 हमारे यहाँ। ठीक, तो आर्थिक विकास दर क्या होता है? आर्थिक कहने का मतलब जितने भी हमारे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यानी कि सीमेंट निर्माण उद्योग हो गया, जैसे कि स्टील वाला उद्योग हो गया, जैसे कि हमारा क्या हो गया रिफाइनिंग जो हमारी इंडस्ट्री हो गई, तो ये जो है कितना इस बार प्रोडक्शन करेंगे, ठीक, कितना इस बार प्रोडक्शन करेंगे, कितनी इस बार इनकी टोटल ग्रोथ होगी, इसको देखकर जो है यह डिसाइड किया जाता है। मतलब इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री को देखने का मतलब यह है, रिफाइनिंग हो गया, स्टील हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सीमेंट वाली इंडस्ट्री हो गया, इन सब का एक पूरा एक एनालिसिस लिया जाता है, उनकी ग्रोथ देखी जाती है, उसका तो उस ग्रोथ को देख के बताया जाता है कि यह है। ठीक, ये होता है पहली बात। और उसमें ठीक है कंपनी की ली जाती है और अन्य और भी पैमाने जो रहते हैं उसमें और डिसाइड किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बस केवल 3 कंपनी का, हमारी कोर कंपनी रहेगी और अन्य कंपनी रहती है उसका भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ग्रोथ डिसाइड होती है और उस ग्रोथ को जो है कम कर दिया गया, और इस बार इसी ग्रोथ को मेजर करने के लिए कि कितना हो सकता है उसके लिए एक हाउस होल्ड सर्वे कराया गया। उसका बस आपको यहाँ या ये याद रखना है कि आरबीआई ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे रिपोर्ट देता है कौन, आरबीआई, और इस बार इस ये किस तरीके से कराया था आपको पता चल गया। देखिए सर्वे के मुताबिक जो है इन लोगों ने पूछते हैं वहाँ पास 51% लोग कहते हैं नहीं सामान्य आर्थिक हालत रहेगा, इस प्रकार की बातें की जाती है। फिर बोलते हैं इसी में कि आप देखिए 30% लोग बोलते हैं कि नहीं आर्थिक हालात आधार सुधरे हैं, तो इसे इस प्रकार से जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक, ये बात तो इसमें जानने लायक इतनी बात थी। आइए नेक्स्ट में आते हैं और वो है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स कंपनी को अब जो है वह FDI कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कब तक देनी है? तो हर साल, देखिए कंपनियों को इस यह रिपोर्ट हर साल 30 सितंबर से पहले अपने ऑडिटरों के जरिए जो है दाखिल करनी पड़ती है। ठीक, दाखिल करनी पड़ती है और यह सुनिश्चित करना कि कंपनियां सरकार के नियमों का पालन कर रही, तो मतलब खुद से FDI कंप्लायंस का मतलब अनुपालन, यानी कि जो FDI आना चाहिए जितनी मात्रा में एक निश्चित पैमाना डिसाइड होता है वो ई कॉमर्स कंपनियां फॉलो कर रही है कि नहीं, उसी चीज को जो देखा जाता है किसमें, इसमें। तो ये ई कॉमर्स कंपनी क्या है इस बार भैया, 30 सितंबर से पहले दाखिल करना है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि FDI नियमों का अनुपालन कर रही है कि नहीं, बस इसी चीज को चेक किया जाता है। और इसमें और कुछ काम की बात क्या है, तो ई कॉमर्स कंपनी आप जानते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट ये सबको इसको रिपोर्ट जो है वो दाखिल करनी पड़ेगी कहाँ, यहाँ। तो इसमें कुछ काम की बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखें इन फ्यूचर जरूर ये काम का आएगा। काम की बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट को जारी करता है आरबीआई। इसमें AGR, USQF आपने देखा क्यों लगाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ताकि वो ICT सुलभ हो सके उन्हें। ICT कहने का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखा AGR को कम करने की बात कर रही है कि सरकार आप थोड़ा कम लीजिए, ये बात यही काम की बात है। ठीक, इसके बाद आप और आ जाइए, अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता होगी। हाँ, IR का मैंने आपको बोला था, दो चीज़ें कवर कर लेंगे कम से कम, इकोनॉमी और IR दो को कवर कर लेंगे यहाँ पास। ठीक, IR में देखिए कि अभी अभी एक दिन हम इसको ऐसा करेंगे कि अमेरिका का पूरा जो है ना भारत के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि अमेरिका के साथ बहुत विशाल रिलेशन है, बहुत सारे इसके साथ वो हुए हैं, कॉम कोसा से जो है वह एक एग्रीमेंट हुआ है कॉम कोसा, और ऐसे ऐसे कर 3-4 एग्रीमेंट है जिसको एक साथ निपटाया जाएगा। तो अभी हाल ही में आई है 2+2 वार्ता, 18 दिसंबर को होने वाली वाशिंगटन में होगी, और ये जो 2+2 वार्ता है पहली कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। इस बार जो बैठक होगी कि जो 18 दिसंबर को होने वाली वाशिंगटन में बैठक 2+2 वार्ता, इस बार होगा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद मुद्दा हो सकता है पहली बात। और यहाँ पास इस आर्टिकल से आपको और जानकारी मिल सकती है कि अभी हमारे यहाँ टाइगर ट्रिम्फ ये जो है USA के साथ एक्सरसाइज होती है, तो टाइगर ट्रिम्फ और इस बार कहाँ होगी, 2+2 वार्ता है। और 2+2 वार्ता है कि जब से 2+2 वार्ता चालू हुई है भारत के साथ, तो आप देखेंगे कि जो डिफेंस यानी रक्षा संबंधी जो एक व्यापार है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से ये चालू हुई है। ठीक, तो ये 2+2 वार्ता के ऊपर ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें थी, साथ ही जो है इसमें एक और कुछ न्यूज़ आई है, वो ये है कि भैया मालदीव जो है वह कुछ करना चाह रहा है, रास्ता तलाशेगा, जो बोल रहे हैं कि चीन से, आपको पता है कि चीन जो है वह
इस प्रकार की नीति लेके आया है कि वह सस्ते दर पे कर्ज देता है, लेकिन इतना कर्ज देता है कि जो छोटे देश हैं जैसे कि मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया, ये भी श्रीलंका तो बेचारा हम्बन टूटा को संभाल ही नहीं पा रहा, तो उसने 99 साल की लीज पर दे दिया। तो ये जो छोटे देश हैं ये जो है वह चीन के आर्थिक जाल में फंस जाते हैं, तो ये बात है। और इंडिया जो है यहाँ पास जो है कुछ काम कर सकता है इस सिलसिले में भी, सपोर्ट वगैरह कर सकता है। तो खैर छोटे देश यहाँ पास फंस जाते हैं, ये मालदीव के लिए था। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं ये इकोनॉमिक खंड, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पास आईआईबी हो जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।